ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में क्वेश्चन नया है, द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री इंटू कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू। देखते हैं सोल्यूशन, साइन 45 डिग्री इंटू कॉसेक 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉसेक 45 की वैल्यू 1/√2। मल्टीप्लीकेशन, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में √2 हो जाएगा और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो किसकी वैल्यू देनी है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन का होता है न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में, तो √3 × √3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में 2 × 2 = 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है जब इक्वल होता है, इक्वल के साइन में इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन, इसका इसमें। लेकिन यदि मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लीकेशन, नीचे नीचे का मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर 30 डिग्री -2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री -3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री -4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो कॉट स्क्वायर 30 की वैल्यू, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3/2 -2। कॉस 60 की वैल्यू लर्न करिए 1/2, पावर 2 है लगा दिया। फिर थोड़ा आगे बढ़े, -3/4 मिला। सेक 45 की वैल्यू √2, पावर 2 है लगा दिया -4। सेक 30 की वैल्यू, तो सेक होता है अपोजिट कॉस का, कॉस 30 होगी वैल्यू √3/2, तो सेक उसका उल्टा होता है, तो √3/2 को पलट दो तो 2/√3/2। सबकी वैल्यू फिट कर दी, अब सोल्यूशन करेंगे। स्क्वायर से रूट हट गया, यहाँ 1/4, 3/4 स्क्वायर से रूट हट गया, -4 स्क्वायर से 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। 3 − 2/4 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन 6/4 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन 4 × 4 = 16/3। एलसीएम यहाँ से 12 मिला, तो 12 × 3 = 36। 4 का इसमें डिवीज़न 3 × 6, इसका इसमें डिवीज़न 3 × 3 × 6 = 18, इसका इसमें डिवीज़न 4 × 64। ये हुआ 36 में जब 6 कम करेंगे तो 30 − 18 − 64 / 12। 13 में 18 कम करेंगे तो 12 − 64। अब 64 में 12 कम करेंगे तो ये आ गया 52 माइनस का अपान 2, 12। 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 13, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो आंसर आ गया माइनस का 13/3। क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट टैन 60 डिग्री -tan 30 डिग्री होल अपान 1 + tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री। लाना है टैन 30 डिग्री, मेजर साइड पकड़ेंगे LHS टैन 60 डिग्री -tan 30 डिग्री अपान 1 + tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री। टैन 60 की वैल्यू होगी √3, टैन 30 की वैल्यू होती 1/√3, डिवाइड में आए 1 + tan 60 की वैल्यू √3 और टैन 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, अब ऊपर एलसीएम मिल गया √3, तो ये आ गया √3 का स्क्वायर, से कैंसिल 1, डिवाइड में आए 1 + √3 √3 cancel 1। √3 का स्क्वायर 3 -1/√3, 1 + 1 = 2, 3 − 1 = 2, 2/√3/2। इसके डिवाइड में 1 छिपा होता है, उसको ले लिया, 2/√3 into में पलट जाएगा 1/2,
टू से टू कैंसिल, वन बाई रूट सी, ठीक है। और वन बाई रूट सी अगर टेन में सर्च किया जाए तो टेन में किसकी वैल्यू उठती है, टेन थर्टी की। और देखिए ज़रा यही हमको प्रूव करके लाना था, टेन थर्टी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है।